बनाना है खास तो चले आइए कोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके गोयल पेंट ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आएं गोयल पेंट, सुल्तानगंज के पुलिया बाईपास रोड आगरा पर। निदेशक मुरारी लाल गोयल, मोबाइल नंबर 9897135351। मुझे सिर्फ पोइट्री की बुक, मैं बहुत टाइम से पोइट्री लिख रही हूँ और उसकी जो है बुक पब्लिश हुई है उसकी वजह से आई फील वेरी प्राउड, आई इट्स द वेरी प्रेस्टिजियस मोमेंट ऑफ माय लाइफ एंड रियली आई फील वेरी प्राउड, दैट्स व्हाट। साहित्य एक क्राफ्ट है, वो सिर्फ डिपेंड करता है आपका कितना इंटरेस्ट है उस चीज़ में। क्राफ्ट इट्स बेसिकली अ क्राफ्ट एंड आई गॉट द इंस्पिरेशन, मेरे पापा ने मुझे इंस्पिरेशन दी है लिखने की। मैं 7 साल की उम्र से लिख रही हूँ, 9 साल की उम्र में मैंने एक पहली पूरी कंपाउंड कविता लिखी थी। क्या संदेश दिया कविता में? कविता, हम दूसरों से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमें पेपर पे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने हैं और ये कविता हमें महत्व देती है। तो इट्स ऑल बेसिकली एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स ऑन पेपर, इट्स पोएट्री, इट्स आर्ट, इट्स लिटरेचर। इन वॉट वे यू एक्सप्रेस, इट्स योर ओन विश, आइदर यू एक्सप्रेस इन प्रोज, इन पोएट्री, दैट्स ऑल। बेटी का आज इसे आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किए हैं, हालांकि बेटी के कविता संग्रह का विमोचन है, लेकिन 13 वर्ष की उम्र पे पहली बात खुदा अगर ऐसे हुनर दे कि बेटी कविताएं लिख पाए तो ये खुदा की तरफ से सम्मान है, और जब वो कविताएं प्रकाशित कोई प्रकाशक कर दे तो मैं समझता हूँ ये प्रकाशक की ओर से सम्मान है, और जब प्रकाशित होकर कृति आ जाए और उसे शहर के बड़े साहित्यकार विमोचन करें उसके लिए शुभकामनाएं दें तो मैं समझता हूँ ये उनकी सभी की ओर से सम्मान है, और उसे मीडिया प्रसारित कर दे, प्रकाशित कर दे तो ये सारे मीडिया की तरफ से मेरी बेटी के लेखन का सम्मान है, तो ये अपने आप में सम्मान समारोह ना होते हुए भी ये सम्मान समारोह है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। मैं हिंदी में कविताएँ लिखता था तो मैंने अपने बच्चों को हिंदी में कविताएँ लिखने के संस्कार दिए, लेकिन चूँकि अंग्रेजी माध्यम से बेटी पढ़ रही थी तो उसने शुरू में 2-3 कविताएँ हिंदी में लिखने के बाद अंग्रेजी भाषा में कविताएँ लिखीं। देखिए, भाषा हिंदी हो या अंग्रेजी, ये विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने लिखा क्या, आपने संदेश क्या दिया, किस भाषा में दिया, जिस भाषा में देंगे उस भाषा के जितने पाठक होंगे वहां तक वो पहुंचेगी। अगर हिंदी के ज्यादा पाठक हैं तो ज्यादा लोग उससे लाभान्वित हो पाएंगे, लेकिन अब अनुवाद साहित्य में बहुत काम हो रहा है, अंग्रेजी की चीजें हिंदी में आ रही हैं और हिंदी की चीजें अंग्रेजी में अनुवाद होकर आ रहे हैं। का हर चीज़ पर एक अपना दृष्टिकोण हो वो समाज को दिशा दे सकती है अगर अपनी लेखनी से, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, मेरा भी मन है कि बेटी शिक्षित हो, संस्कारवान बने और अपनी कविताओं से देश को और दुनिया को दिशा दे। दिशा की बात करें तो उम्र बहुत ज़्यादा इसमें महत्व नहीं रखता, छोटी सी, आप जानते हैं कि मलाला यूसुफ़ज़ई ने 13-14 साल के ही उम्र में ये कहा था कि एक किताब, एक पेन और एक टीचर दुनिया को बदल सकता है, तो एक अच्छा प्रयास है और ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि एक लड़की लिख रही है, जो बच्ची है और उसको लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ये कुछ समय पहले आप जानते हैं कि महिलाओं का लिखना ही वो था और बच्चों का तो सोच भी नहीं सकते थे, तो ये एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छी शुरुआत है। जो कुछ वो कर रहे हैं ये एक जिस जहाँ से भी उनको प्रेरणा मिल रही है ये बहुत अच्छी एक उनका योगदान है साहित्य के लिए, लेकिन थोड़ा ये भी है कि हम साथ ही साथ ऐसे साहित्य की भी कल्पना करके चलें। वो टॉपिक्स लिए हैं जो आजकल के टॉपिक्स हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक नहीं लिया, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि जो एब्स्ट्रैक्ट लिया हो, या कोई ताजमहल सा लिया हो, या कोई लैला मजनू सा लिया हो, या चांद सितारों का लिया हो। उस इस बच्चे का एक जो स्कोप मैंने देखा एज ए टीचर, मैं आगरा पब्लिक स्कूल से हूँ और चेयरमैन हूँ उसका, तो मैंने ये चीज़ देखा कि इस उम्र के बच्चे अगर पर्यावरण की चीज़ को उठा रहे हैं, पेड़ के लिए उठा रहे हैं, एक बेटी बचाओ पढ़ाओ के ऊपर बचा कर रहे हैं, पानी के कंजर्वेशन के ऊपर कर रहे हैं, सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर कर रहे हैं और गंदगी के ऊपर कर रहे हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स के ऊपर बच्ची ने लिखा है, और ये बच्ची एक पोइट्री लिख रही है और वो भी इंग्लिश के अंदर लिख रही है, और ऐसी लिख रही है जो आम आदमी भी समझ सकता है।